लेकिन हजरत ईसा के बारे में काफी लोगों में किस्से कहानियां या जो भी हैं वो हैं कि आया वो किस हैसियत में आसमान पर उठाए गए थे और क्या उनका दोबारा दौर भी आएगा, और इस सिलसिले में जरा वजाहत कर दें। आम तौर पर जो बात लोग मानते हैं वो तो यही है कि उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था और कयामत के करीब उनका नजूल होगा। बाद रवायात के मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये वही जमाना होगा जिसमें इमाम महदी का जहूर भी हो चुका होगा, और फिर जब वो आएंगे तो जिजिया खत्म कर देंगे, सलीब को तोड़ देंगे। अमूमी अकीदा यही है। इससे मतलब चंद बातें आप जान लीजिए। पहली बात यह है कि उनके जिंदा उठाए जाने की कोई सराहत कुरान मजीद में नहीं है, बल्कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो इससे इबा करते हैं। वही अल्फाज हैं कि जो किसी भी शख्स की वफात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुरान मजीद ने पूरी बात बयान की है और ये कहा है कि इन्नी मुतवफी का वराफे का इलैया, कि मैं तुझे वफात दूंगा फिर अपनी तरफ उठा ले जाऊंगा। अब जाहिर है कि वफात के बाद अपनी तरफ उठा ले जाऊंगा कि अल्फाज उनके जिस्मी के लिए हो सकते हैं, और ये बात समझ में आती है क्योंकि यहूद ने यह फैसला कर लिया था कि वो उनकी तौहीन करेंगे। तो बज़ाहिर जो कुछ बाइबल से मालूम होता है वो यही है कि जब यहूदा इस्करियोती ने उनकी निशानदेही की कि वो कोहे जैतून में कहां बैठे हुए इस वक्त, और उनको पकड़ने के लिए हुजूम उन पर हमलावर हुआ, तो अल्लाह ताला ने उस शख्स को ये सजा दी कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम को तो फरिश्ते ले गए लेकिन उसकी शबी बिल्कुल सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की सी हो गई। इसी को कुरान बयान करता है कि वलाकिन शुब्बिया लहुम, उनको तो यही ख्याल हुआ कि उन्होंने मसीह को वाअज़ल्ला फांसी पर चढ़ा दिया है, लेकिन कुरान मजीद ने ऐलान किया कि मा कतलू हो व मा सलबू, ना उन्होंने उनको कत्ल किया ना सलीब किया। तो इस वजह से जब कुरान ने मुतवफ़ीका के बाद ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो मालूम होता है कि आम कानून के मुताबिक किसी और को तो उन्हें हाथ नहीं लगाने दिया गया, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों ने उनको वफात दी और उसके बाद उनको उठा ले गए। अब फर्ज कर लीजिए कि कोई आदमी इस बात को ऐसे नहीं मानता, तो तब भी ये बात बिल्कुल वाजे है कि जो बात वो मान रहा है कि जिंदा उठा लिए गए उसके लिए भी कोई सराहत कुरान मजीद में मौजूद नहीं, खाली है कुरान इससे बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल यही मामला हदीस का, कोई हदीस ऐसी नहीं है, मौजूद ही नहीं है जिसमें इस तरह की कोई सराहत की गई, यानी रसूलुल्लाह सल्लम ने यह बात फरमाई हो। हदीस के पूरे जखीरे को आप देख डालिए, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। रह गया उनका दोबारा आना, तो दोबारा आने के बारे में भी कुरान मजीद को यह मालूम है कि बिल्कुल खाली है। और दिलचस्प बात यह कि यही आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ताला क़यामत तक का नाम लेकर उनके बारे में अपना पूरा प्रोग्राम बता रहे हैं। उनकी बड़ी गैर मामूली हैसियत है, वो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम कि जिनको खुदा ने अजीम शान मौजज़ात दिए, बिन बाप के पैदा किया, बनी इसराइल के लिए वो खुदा की आखिरी हुज्जत बन गए, और उनके बाद बनी इसराइल के लिए अजाब का फैसला हो गया। मामूली शख्सियत नहीं है वो, तो उनका पूरा प्रोग्राम बताया है कि जब उन्होंने इत्माम हुज्जत कर दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी मुतवफीक, मैं तुम्हें वफात दूंगा, बर्राफियों का इलैया, अपनी तरफ उठा ले जाऊंगा, व मुताहिरों का मिनल्लज़ीना कफरू, इन काफिरों से तुझे बिल्कुल अलग कर लूंगा, हाथ नहीं लगा सकेंगे तुम्हें, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा सके। फिर व जायलुल्लज़ीना तबऊ का फौकल्लज़ीना कफरू इला यौमिल क़यामा, और तेरे मानने वालों को कयामत तक के लिए तेरे इन मुनकरों पर गलबा अता कर दूंगा। जाहिर है कि उनके बारे में ये कयामत तक का प्रोग्राम है, इसमें क्या बईद था कि अल्लाह ताला फरमाते और कयामत से पहले एक मरतबा फिर तुम्हें नाजिल करूंगा, नहीं फरमाया, खाली है कुरान मजीद इससे बिल्कुल। अच्छा, फिर हदीस में हमारे लिए जो सबसे पहली किताब हदीस की है वो इमाम मालिक की मुअत्ता, पहली हदीस की किताब वो। आप मुअत्ता को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ जाइए, कहीं उसमें शायबा भी नहीं, कोई जिक्र नहीं बिल्कुल। हद यह है कि कोई शख्स ये भी नहीं कह सकता कि इमाम मालिक ने इस मौजू को छोड़ दिया हो। अव्वल तो ये मौजू है ही बहुत अहम, छोड़ने की कोई वजह नहीं है, लेकिन इसके साथ मजीद ये है कि जैसे मैंने आपको कुरान की आयत पढ़कर सुनाई कि इसमें अल्लाह ताला क़यामत तक का प्रोग्राम बयान कर रहे हैं लेकिन उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया, ऐसे ही मुअत्ता में इमाम मालिक एक रिवायत लाए और वह रिवायत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में आपने दज्जाल को और मसीह को काबे का तवाफ करते हुए देखा। अब जाहिर है कि ये ख्वाब या रोया
اس کو تو امام مالک نے بیان کر دیا، یہ بہترین موقع تھا نا کہ وہاں وہ یہ روایت بھی بیان کرتے، تو موطا بھی بالکل خالی. اس کے بعد کی حدیث کی کتابوں میں البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر آنا شروع ہوا ہے، اور پھر بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ان کتابوں میں ہے جو بعد کے زمانے میں مرتب کی گئی ہے. کوئی شخص چاہے تو ان کی بنیاد پر یہ مان لے، لیکن پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام ہے سورہ مائدہ میں جو اس کی اجازت نہیں دیتا. سورہ مائدہ میں حضرت مسیح کے ساتھ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا مکالمہ نقل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قیامت میں مسیح سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو وہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ پروردگار جب تک میں ان کے اندر رہا میں نے ان کو توحید کی دعوت دی، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد سے اب تک آپ ان کے نگران ہیں، میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے. ان الفاظ کو آپ خود سوچئے کہ یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ابھی دو دن پہلے ان کی گوشمالی کر کے آیا ہوں، ان کو بتا کے آیا ہوں، شریف توڑ کے آیا ہوں، جزیہ ختم کر کے آیا ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا نا ان کو، ایسی کوئی بات نہیں. تو اس کی روشنی میں آپ خود جائزہ لے لیجیے صورتحال کیا ہے. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عام نقطہ نظر زیادہ کبھی ہے، بسم اللہ مانتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر آپ ان تصریحات کی روشنی میں وہ رائے قائم کریں جو میرا اس معاملے میں رجحان ہے، تو امید ہے کہ غور و خوض کے کچھ اور سامان بھی کھلیں گے آپ کے.